कृषि कानूनों के विरोध में कई किसान और 40 से ज़्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई महीनों के प्रदर्शन के बावजूद भी ना ही उनकी मांगें सुनी जा रही हैं और ना ही सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दिल्ली और चंडीगढ़ का सफर तय करने पर नेशनल हाईवे 44 पर लगभग 300 रुपए का टोल टैक्स लगता है, जो कई महीनों से नहीं लिया जा रहा है। किसान आंदोलन के कारण पंजाब और हरियाणा के 50 से ज्यादा टोल प्लाजा कई महीनों से बंद है, जिसके कारण केंद्र सरकार को 5 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो चुका है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक केंद्र सरकार को टोल टैक्स ना देने के कारण लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। किसान आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि वह लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जनता में से कोई शिकायत नहीं कर रहा है, पर जनता पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर टोल टैक्स भुगतान की लागत बचने को लेकर उनकी आभारी है। अब जाकर कोई इन तथाकथित किसानों से पूछे कि टोल प्लाजा जाम करके कौन सा आंदोलन किया जाता है, बीच सड़क पर बैठकर जनता को परेशान करना और सरकार के प्रति अपना अड़ियल रवैया दिखाना, क्या इसे आंदोलन कहते हैं? आपको बता दें कि इसी किसान आंदोलन में 26 जनवरी को किसानों ने भारत के गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो आतंक मचाया था, वो दिल्लीवासी और इस देश की जनता भूली नहीं है। किसानों की आड़ में जो गुंडे आज सड़क पर बैठे हैं, उनके बारे में एक और बात बता दें कि गत दिनों इसी टिकरी बॉर्डर पर एक लड़की का इन्हीं उन्मादी तथाकथित किसानों ने बलात्कार किया था और उस लड़की की मृत्यु हो गई। किसी किसान नेता ने उस लड़की की सुध तक नहीं ली। आज ये किसान जो महंगी SUV से आंदोलन करने आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें दिक्कत कानूनों से नहीं बल्कि मोदी से है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम 2024 तक आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने 19 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई को संसद के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और कहा है कि सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सभी विपक्षी दलों को संसद के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए चेतावनी पत्र सौंपेंगे। उनका कहना है कि संसद के अंदर वे किसान मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे और खुद बाहर विरोध में धरने पर बैठेंगे, तथा जब तक सरकार इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं करेगी, वे सत्र को आगे नहीं बढ़ने देंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की बढ़ती मांगों को लेकर 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध करने का भी ऐलान किया है। इन तथाकथित किसानों का विरोध करना जहां कई लोगों को सही लग सकता है, लेकिन हो रहे इस आंदोलन की असलियत कुछ और है। ये तथाकथित किसान अपने फायदे के लिए रोड जाम कर कई महीनों से धरने पर बैठे तो हैं, पर इस जाम से लाखों लोगों को हो रहे नुकसान का खामियाजा कौन देगा? क्या ये तथाकथित किसान जनता और सरकार को हो रहे नुकसान का भुगतान करेंगे या उनके द्वारा हो रहे नुकसान का मत्था भी वो सरकार पर फोड़ेंगे?